गुड मॉर्निंग क्लास. यस्टरडे वी हैव सीन अबाउट द लेसी कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन ऑफ द स्टेबल चैनल अकॉर्डिंग टू द लेसी थ्योरी, राइट. सो आज हमको क्या करना है कि हम लोगों ने कल लेसी थ्योरी के बारे में भी देखा था और जो उसका न्यूमेरिकल था वो भी हम लोगों ने पढ़ा था. लेसी और कैनेडी में जो है हमेशा कंपेरिजन जो है पूछा जाता है कि लेसी और कैनेडी में का कंपेरिजन बताइए या दोनों में कौन सा बेस्ट मेथड है डिज़ाइन करने के लिए वो बताने को. तो जो हमारी लेसी थ्योरी होती है, लेसी थ्योरी जो है वो कैनेडी थ्योरी पर मॉडिफिकेशन है. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लेसी थ्योरी जो था उसमें जो फ्री मीन वेलोसिटी थी, फ्री मीन वेलोसिटी का जो कंसेप्ट था लेसी ने खुद डेवलप किया था. जो उनका इक्वेशन था फ्री मीन वेलोसिटी को निकालने के लिए वो भी लेसी ने खुद ही डेवलप किया था. जबकि जो कैनेडी थ्योरी थी उसमें फ्री मीन वेलोसिटी निकालने के लिए कटर्स इक्वेशन का यूज़ किया गया था, ठीक है. तो लेसी थ्योरी जो थी वो इंडिपेंडेंट थी और जो कटर्स एक जो हमारा कैनेडी थ्योरी थी उसमें क्या था वो एक कटर्स इक्वेशन के लिमिटेशंस को फॉलो कर रहा था फ्री मीन वेलोसिटी के कंसेप्ट में. दूसरा डिफरेंस ये था कि लेसी ने जो है सिल्ट फैक्टर का यूज़ किया था, ठीक है. सिल्ट फैक्टर का यूज़ किया था यानी कि अगर हमको पार्टिकल, उन्होंने एक तो एफ का यूज़ किया कि अगर सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल अगर हैं तो उनके उनके बिहाफ पे हम कैसे जो है डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसकी. और उसके साथ ही उन्होंने जो पार्टिकल के साइज़ थे उनके बारे में भी, क्योंकि अगर हमको सिल्ट फैक्टर की वैल्यू नहीं बताती तो हमको पार्टिकल का साइज़ अगर पता है तो सिल्ट फैक्टर कैलकुलेट करके हम लोग उसकी डिज़ाइनिंग को प्रोसीड कर पा रहे थे, ठीक है. तो जो हमें दोनों वैल्यूज़ थी उनके बिहाफ पे उन्होंने जो डिज़ाइनिंग का किया था. जबकि जो हमारी कैनेडी थ्योरी थी, कैनेडी थ्योरी में सिल्ट फैक्टर का यूज़ ना करके उन्होंने क्या किया था, स्मॉल एम यूज़ किया था जो कि क्या था हमारा CVR, ठीक है. तो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो जो CVR था हमारा उसका यूज़ किया था. लेकिन CVR को बहुत अच्छे से क्लासिफाई नहीं किया गया था कि CVR के का पार्टिकल साइज से कोई रिलेशन नहीं निकाला गया था, ठीक है. तो एक ये दोनों में डिफरेंस था. थर्ड डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो था वो हमारा, जैसे कि जो लेसी थ्योरी थी, लेसी कैनेडी थ्योरी में, कैनेडी थ्योरी में क्या हुआ था कि जो भी हमारे बेड और बाउंड्रीज से फॉर्मेशंस थे तो ये हो रहा था कि जो भी हमारे ग्राउंड फॉर्मेशन का यूज़ करके जो अगर वेलोसिटी अगर हमारी ज़्यादा आ रही है, वेलोसिटी ज़्यादा हो जा रही है क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो फिर जो ADs का जनरेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैनेडी के अकॉर्डिंग सर्फेसिस से होता था, ठीक है. जबकि जो लेसी थ्योरी थी, लेसी थ्योरी में ये बताया गया कि सर्फेसिस और बाउंड्रीज दोनों के बारे में ही उसमें इंफॉर्मेशन थी कि सर्फेसिस पे कैसे इफेक्ट होगा और जो है हमारा बाउंड्रीज पे कैसे इफेक्ट होगा, ठीक है. जबकि कैनेडी थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ एडीज का जनरेशन वर्टिकल कंपोनेंट में बताया गया था जो कि क्या था हमारा सरफेस से जनरेट हो रहा था, ठीक है. तो ये जो थे हमारे मेजर डिफरेंसेस थे लेसी और कैनेडी के बीच में, राइट. सो आज जो है हम लोग एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं जो हमारा लेसी थ्योरी पे है. क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ द एल्यूमिनियम, द स्लोप ऑफ द एल्यूमिनियम एस, यानी S की वैल्यू दे रखी है क्या 1/5000, ठीक है. द स्लोप ऑफ द एल्यूमिनियम इज 1/5000. लेसीज सिल्ट फैक्टर, लेसीज सिल्ट फैक्टर एफ इज 0.9 एंड द चैनल साइड स्लोप is 1/2 horizontal is to 1 vertical. Find the channel section and maximum discharge which can be allowed
which can be allowed to flow in it. Which can be allowed to flow in it. ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, लेसी थ्योरी पे है. इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको जो एलुवियम चैनल का स्लोप है वो स्लोप हमको दे रखा है क्या, s इज इक्वल टू 1/5. ठीक है, उसके अलावा हमको लेसी सिल्ट फैक्टर स्मॉल f की वैल्यू दे रखी है 0.9. अगर चैनल का साइड स्लोप जो है वो 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल है, तो बोल रहे हैं कि हमको चैनल का जो है मैक्सिमम डिस्चार्ज बताइए जिसके थ्रू वो फ्लो कर सकता है. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है. अभी हमको क्या करना है, डिस्चार्ज निकालना है. इसमें बहुत ही क्लियर कट बताया हुआ है. उसके अलावा हमको चैनल सेक्शन के बारे में भी पूछ रहा है कि चैनल सेक्शन क्या होगा, यानी कि हमको बी चैनल सेक्शन में हम क्या वैल्यू लेकर चलते हैं. अभी तक हम जो फाइंड आउट कर रहे थे बी को, डी को विड्थ, डेप्थ और एस की वैल्यू, जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है स्लोप. ठीक है, लेकिन क्या कि क्वेश्चन में हमको स्लोप दिया है तो हमें बी और डी की वैल्यू निकालनी है. ठीक, इसके अलावा हमसे डिस्चार्ज पूछ रहा है तो क्यू की वैल्यू निकालनी है. ये जो है हमारा क्यू, बी एंड डी, ये जो वैल्यूज हैं वो अननोन है और इन्हीं की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले जो है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको स्लोप दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला है स्लोप का, वो स्लोप का फॉर्मूला लेके चलते हैं. फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू एफ 5/3 अपॉन 3340 क्यू टू द पावर 1/6 क्यू टू द पावर 1/6. ठीक है, ये जो है हमारा एस का फॉर्मूला है, जो स्लोप का फॉर्मूला है. ठीक, तो अभी इसमें क्या करेंगे, सारी वैल्यूज जो है हमको गिवन है, जैसे कि सेल्फ फैक्टर एफ की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है और ये जो s है हमारा स्लोप ये भी हमको गिवन है. ठीक है, तो क्योंकि हमें q की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. q इज इक्वल टू f टू द पावर 5/3 अपॉन 3340 s टू द पावर 6. ठीक है, अभी क्या है कि ये हमको Q की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये जो Q वाला फैक्टर है वो उधर लेके जाएंगे, यानी कि Q टू द पावर 1/6 जो है वो इधर जाएगा. तो हमने क्या किया, Q टू द पावर 1/6 अगर हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, F टू द पावर 5/3 अपॉन 3340 और ये S जो है वो हमारा यहाँ आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये S आ गया क्योंकि ये क्या है पावर 1/6. तो अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसका पावर चेंज होकर क्या हो जाएगा, 6. ठीक है, तो अभी हमारे पास डिस्चार्ज का फॉर्मूला जो है वो हमने स्लोप वाले के फॉर्मूले की हेल्प से डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकाल लिया है. अब सारी वैल्यूज जो है वो हमको गिवन है, हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है और वैल्यू निकाल दी. एफ जो है हमारा सिल्ट फैक्टर, सिल्ट फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 0.9. ठीक है, 0.9 टू द पावर व्हाट, 5/3 डिवाइड बाई 3340 इंटू एस. एस हमारा क्या है क्वेश्चन में दे रखा है क्या, 1/5000 एंड होल टू द पावर व्हाट, 1/6. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. जैसे ये 5000 है, ये 1/5000 है, तो इस 5000 को हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो 5000 डिवाइडेड बाय क्या बच रहा है, 3340. ठीक है, दिस होल टू द पावर 6, और अगर ये 6 जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 6 इंटू 5 30/3 इज वॉट 10. ठीक है, यानी कि 0.9 टू द पावर 10. ठीक, इस 5000 1/5000 है ये, इस 5000 को हम क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे, तो 5000 यहाँ आ गया डिवाइडेड बाई क्या है बच रहा है हमारे पास डिनोमिनेटर में 3340. ठीक है, 5000/3340 टू द पावर 6 तो है ही हमारा. अब ये जो हमारा 0.9 फैक्टर है, तो 0.9 ये क्या है हमारा, इसके पावर में 5/3. ठीक, और इसके पावर में भी क्या है 6, तो 6 इंटू 5 इज वॉट 30 एंड 30 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि ये क्या हो गया हमारा 10. तो 0.9 टू द पावर वॉट 10. तो अभी क्या करें, उसको सिंप्लीफाई करो, 5000/3340 टू द पावर 6 इंटू 0.9 टू द पावर 10. तो ये आंसर आ रहा है हमारा 3.924. ठीक है, 3.924 किस में आएगा, डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है,
तो ये जो हमारी वैल्यू है 3.924, ये आगे हमारी किसकी वैल्यू, डिस्चार्ज की वैल्यू 3.924 मीटर क्यूब पर सेकेंड इज डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये जो डिस्चार्ज की वैल्यू है हमको आ गई है। तो सबसे पहले तो हमसे पूछ रखा था कि मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना अलाउ करेंगे, तो कितना अलाउ करेंगे मैक्सिमम डिस्चार्ज 3.924 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो डिस्चार्ज का फैक्टर कैलकुलेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आगे हमको कैलकुलेट करना है क्या, क्योंकि हमसे चैनल सेक्शन पूछ रहा है। तो चैनल सेक्शन मतलब क्या हो गया हमारा, बी और डी, विड्थ और डेप्थ की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब जो है हमारा, क्योंकि बी और डी की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत आएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उन फैक्टर्स को निकाल लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि हमको बी और डी की वैल्यू को निकालने के लिए जो एरिया और पैरीमीटर है, उस एरिया और पैरीमीटर की वैल्यू को क्या क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, तो एरिया और पैरीमीटर को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो फॉर्मूला एक और है हमारे पास, जो बेड स्लोप का है आर के टर्म्स में, जो हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के टर्म में था फॉर्मूला, तो हम ये वाला फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू व्हाट, एफ टू द पावर 3/2 अपन 4980 आर टू द पावर 1/2। ठीक है, तो ये जो है एस एफ और आर, जो हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, जो हमारा स्लोप है और जो हमारा सेल फैक्टर है उसके टर्म में। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो भी हम लोगों ने बेड स्लोप और डिस्चार्ज के टर्म का फॉर्मूला निकाला था, क्योंकि हमको डिस्चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अभी क्या है कि हमको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन है एस का, हमने उसका यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को निकालने के लिए आर के टर्म्स में हम लेके जाएंगे इसको, तो आर वाली वैल्यूज को इधर लेके जाना है, तो ये क्या बचेगा, एफ टू द पावर 3/2 4980 एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, एफ क्यूब अपॉन 4980 एस स्क्वायर। ठीक है, ये जो है हमारा आ रहा है क्या, अब जैसे क्या है, हमने R की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो R वाले इक्वेशन को हम कहाँ लेके गए, इधर। ठीक, तो R जो है हमारा ये आ गया। अब ये क्या है, R के पावर में क्या है, 1/2, तो R के पावर में यहाँ पे 1/2 है, तो अभी जब हम R को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एफ टू द पावर 3/2 अपॉन 4980, तो एफ टू द पावर 3/2 अपॉन 4980। ये जो हमारा S है वो कहाँ जाएगा, इधर, तो S आ गया। ठीक है, अभी क्योंकि R के पावर यहाँ पे क्या था, 1/2 था, तो ये 1/2 को जो हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, साइड चेंज हो गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे स्क्वायर। तो अभी थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, तो f टू द पावर 3 × 2 क्या हो गया, 6, एंड डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बच गया, 3। ठीक है, यानी f टू द पावर 3 अपॉन 4980 और s, और क्योंकि ये स्क्वायर इस पर भी है, तो हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अभी क्या है कि जो f की वैल्यू है सिर्फ फैक्टर की, वो क्वेश्चन में हमको दे रखा है, कितना है, 0.9। ठीक, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 4980 इंटू 1/5000 का क्या बच रहा है, ये स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए। इस 5000, ये क्या है, 4980। ठीक है, 4980 इंटू 1/5000। ठीक है, तो ये 1/5000 है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये 5000 को यहाँ पे लेके जाएंगे, तो 5000 इंटू 5000। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, तो 5000 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 4980 इंटू 4980, ये हमारा आ गया एक वैल्यू। ये जो टर्म है हमारा वो सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे और क्या बच रहा है, 0.9 टू द पावर क्यूब। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसकी वैल्यू देखते हैं कि यहाँ से R की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ से जो R की वैल्यू आ रही है हमारी, वो आ रही है 0.734 मीटर। ठीक है, ये जो R की वैल्यू है हमारी आ गई क्या, 0.734 इन मीटर। ठीक है,
तो हमने एक और वैल्यू फाइंड कर ली, क्या आर इज इक्वल टू 0.734 मीटर। अब जो है हम पेरीमीटर का इक्वेशन लगाएंगे, तो हमने जो पैरामीटर का इक्वेशन पढ़ा है अकॉर्डिंग टू लेसी थ्योरी, तो लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पैरामीटर का जो इक्वेशन पढ़ा है क्या पढ़ा था, 4.75 अंडर रूट क्यू। ठीक है, यहाँ से जब हम पैरामीटर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें वैल्यू पता है 4.75, और क्यू जो डिस्चार्ज है, इस डिस्चार्ज की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी कितना, 3.924। ठीक है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो पी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9.4 मीटर, पी इज 9.4 मीटर। ठीक, ये हमारी पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एरिया की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर हमको एरिया और वेटेड पैरामीटर अगर हमें नहीं पता होगा तो हम बी और डी की वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो लेसी का इक्वेशन है उसमें हमने क्या किया था, एरिया और पैरामीटर का इक्वेशन बनाया था और उसकी हेल्प से हम लोगों ने बी और डी की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। तो जब हम एरिया का इक्वेशन लिखेंगे और जब हम पैरामीटर का इक्वेशन लिखेंगे तो एटलीस्ट हमको होल एरिया पता होना चाहिए, तभी बी और डी दो अननोन होंगे और तभी निकलेगा। लेकिन क्या है कि हमने पैरामीटर तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट करते थे, क्यू इज इक्वल टू ए इंटू बी से पता करते थे, जो हमारा डिस्चार्ज इक्वेशन था। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, बी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है, हमने अभी जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, आर इज इक्वल टू ए बाई पी, ठीक, एरिया बाई पैरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आर की वैल्यू जो है अभी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू एस जो हमारा बेड स्लोप दिया हुआ था उसके हेल्प से फाइंड आउट किया था। ठीक, तो उस आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और एरिया का इक्वेशन, एरिया की वैल्यू निकालेंगे, तो अगर हम यहाँ से एरिया को कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, आर इंटू पी। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इंटू पैरीमीटर। तो अभी जो हमने एरिया अगर हम निकाले तो जो आर है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, 0.735 इंटू जो पैरामीटर है वो हमने क्या निकाल रखा है अभी, 9.4। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से एरिया की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो 0.735 इंटू 9.4, ये जो एरिया की वैल्यू आ गई हमारे पास, एरिया आ गया हमारे कितना, 6.9 मीटर स्क्वायर, एरिया की वैल्यू आ गई 6.9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वो हमारी एरिया की वैल्यू आ गई। ठीक, तो अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, और अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बी और डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए और पी की वैल्यू की हेल्प से अब हम लोग क्या करेंगे, बी और डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो एरिया का इक्वेशन जो है ट्रेपेजॉइड सेक्शन के लिए, एज ऑलवेज जो हमने बताया था आप लोगों को कि ये ट्रेपेजॉइड सेक्शन है, और इस ट्रेपेजॉइड सेक्शन का जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, साइड स्लोप हमको दे रखा है क्या, 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, इसी तरीके से इधर भी क्या है, 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजॉइड है जिसकी विड्थ क्या है, बी, और इसकी डेप्थ क्या है, डी। ठीक, ये जो हमारा ट्रेपेजॉइड है, इस ट्रेपेजॉइड के एरिया के कैलकुलेशन के लिए इसको सिंप्लीफाई करके 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, 1 इज रेक्टेंगल एंड 2 इज व्हाट, ट्रायंगल। ठीक है, ये जो b है, तो ये जो हमारा टॉप विड्थ b जो होगा वो क्या हो जाएगा, b। ठीक, और ये जो है हमारा साइड स्लोप का जो हमें रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। ठीक है, तो 1 वर्टिकल के रिस्पेक्ट में क्या है, हाफ हॉरिजॉन्टल, तो अगर ये हमारी डेप्थ d है तो ये भी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, d, और ये जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, d। ठीक, तो 1 वर्टिकल यानी कि यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, डी, उसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल क्या होगा, हाफ, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, डी बाई टू, उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, डी बाई टू। और जब हम इन लोगों ने कल भी एरिया का इक्वेशन जो निकाला था, एरिया का इक्वेशन निकालने के लिए जो ट्रेपेजॉइड सेक्शन का फॉर्मूला था वो क्या था, 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड करेंगे अगर हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो 1/2
इनटू फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। ये फॉर्मूला है ट्रापेजॉइड का, एरिया निकालेंगे 1/2 इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड हमारी ये है, दूसरी पैरेलल साइड ये क्या हो जाएगा, बी प्लस डी इनटू हाइट क्या है डी, और ये डी कहाँ से आया, डी बाई टू प्लस डी बाई टू, ठीक है, क्योंकि जब हम दोनों पैरेलल साइड का सम लेंगे तो एक पैरेलल साइड हमारी यहाँ से यहाँ तक की है जिसकी वैल्यू क्या है बी, और जो दूसरी पैरेलल साइड है वो यहाँ से यहाँ तक की है जिसकी वैल्यू क्या है बी प्लस डी बाई टू प्लस डी बाई टू, इसलिए हमने यहाँ पे बी प्लस डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा बी डी प्लस डी स्क्वायर बाई टू एरिया का, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, हमने इस इक्वेशन को मान लिया है क्या, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो एरिया का इक्वेशन क्या हो गया, b इंटू डी प्लस डी स्क्वायर बाई टू, ठीक। अब क्या करते हैं, पैरीमीटर का इक्वेशन निकालते हैं, और पैरीमीटर का इक्वेशन जब हम निकालेंगे तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, जो हमारा लेंथ होगा, जो वेटेड लेंथ होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा वेटेड लेंथ कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से लेंथ, ये लेंथ आएगी यहाँ पूरी, ये लेंथ आएगी जो पानी से भरी होगी, और ये जो है वो पानी से भरी होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा टोटल लेंथ, जिस जहाँ तक जो है हमारा पानी जो है वो वेटेड प्लेस है, जो वेटेड पानी जो है भरा हुआ, उसके कारण ये जो है पूरा कितना हो गया, वेटेड एरिया हो गया। तो हमने क्या करना है, जब पैरीमीटर निकालेंगे तो पैरीमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी लेंथ होगी उसको एड ऑन करते हैं, ठीक है। तो हमारी ये एक लेंथ हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक की, दूसरी लेंथ यहाँ से यहाँ की, तीसरी लेंथ यहाँ से यहाँ की, ठीक है। तो जो हमको पैरीमीटर की लेंथ है वो हमको सिर्फ और सिर्फ ये वाली लेंथ पता है जिसकी लेंथ क्या है बी, लेकिन हमें ये लेंथ और ये लेंथ नहीं पता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एज यूजुअल वर्टिकल डिस्टेंस इज डी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज डी बाई टू, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अगर हम इसको एक्स माने तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। और यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी डी रूट फाइव बाई टू, ठीक। ये जो वैल्यू हमारी लेंथ की, ये वैल्यू हो जाएगी डी रूट फाइव बाई टू, और ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की, ये भी कितनी हो जाएगी डी रूट फाइव बाई टू, ठीक। जो हम पैरीमीटर की वैल्यू निकालेंगे तो पैरीमीटर की वैल्यू के लिए क्या करना है, हमको ये लेंथ प्लस करना है, ये लेंथ लेना है और ये लेंथ लेना है, ठीक है। तो ये तीनों लेंथ को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है डी रूट फाइव बाई टू, ठीक, डी रूट फाइव बाई टू, और ये जो लेंथ है वो भी कितनी है डी रूट फाइव बाई टू। तो हम क्या करते हैं, उसको दो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी ऐसी लेंथ हमारे पास कितनी है दो, प्लस ये क्या है हमारा बी। तो जो पैरीमीटर आ गया वो कितना आ गया बी प्लस डी रूट फाइव, ठीक है। तो ये जो हमारा पैरीमीटर का इक्वेशन है इसको हम बना ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। राइट, सो एरिया का इक्वेशन बन गया और पैरीमीटर का इक्वेशन बन गया। तो हमने ये बना लिया इक्वेशन 1 और ये बना लिया इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, हमको वैल्यूज जो है वो एरिया की वैल्यू पता है, एरिया की वैल्यू आई है हमारी कितनी 6.91, ठीक है। और बाकी का इक्वेशन क्या है, बी इंटू डी प्लस डी स्क्वायर जो कि है हमारा क्या 0.5 डी स्क्वायर, ठीक है, यही क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और दूसरा इक्वेशन क्या है पैरीमीटर का, P इज इक्वल टू बी प्लस डी रूट फाइव, और जहाँ से हमको पैरीमीटर की वैल्यू आई है 9.41, तो पैरीमीटर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी है 9.41 इज इक्वल टू बी प्लस डी रूट फाइव, ये क्या बन गया है इक्वेशन 2, ठीक। तो ये इक्वेशन 2 बन गया। अभी देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है और दो ही अननोन है बी और डी। यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये बी की वैल्यू को एक इक्वेशन बनाएंगे जो हमारा बनेगा डी के टर्म्स में। तो इस जो हम बी को बी या ये वाली इक्वेशन को जब हम बी के टर्म्स में करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 9.41 माइनस डी रूट फाइव, ठीक है। यहाँ से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ना कि बी इज इक्वल टू 9.41 और ये वाला टर्म इधर लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस डी रूट फाइव, ठीक है। अभी ये जो हमारा वैल्यू आ रही है बी इज इक्वल टू 9.41 माइनस डी रूट फाइव, इसको हमें क्या करना है इस इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी
putting the value of b in equation 1. ठीक, इक्वेशन वन में जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.91 इज इक्वल टू 9.41 इंटू डी, ठीक है, माइनस डी स्क्वायर रूट 5, ठीक है, प्लस 0.5 डी स्क्वायर. यहां से जो हमारा इक्वेशन है वो आ रहा है 6.91 तो हमको बी और डी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है. यहां से जब इसको सॉल्व करने पे हमारी डी की वैल्यू आ रही है 0.88 मीटर, ठीक है, 0.88 मीटर आ रही है. तो ये जो हमारी डी की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है, 0.88 मीटर, ठीक. अब जो हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से जब हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारी जो दो वैल्यूज आएंगे उसमें हमने बताया था कि लोअर वैल्यूज को लेना है. तो जो लोअर वैल्यू आई है वो हमारी 0.88 मीटर आई है, ठीक है. तो अभी क्या है कि इस d की वैल्यू को, हमारे पास d की वैल्यू आ गई, ठीक, जो हमने एक हमारा रिक्वायरमेंट था, एक वैल्यू d की आ गई 0.88 मीटर, ठीक. अभी क्या करेंगे, हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो जो b की वैल्यू है क्या करना है, हमको यही वैल्यू यहाँ पे d की रख देनी है. तो b इज इक्वल्स टू 9.41 माइनस 0.88 रूट 5. तो यहाँ से क्या करना है, हमको b की वैल्यू को निकाल देना है. ये वैल्यू आ गई है हमारी क्या, 7.44 मीटर, ठीक है, यानी कि b इज इक्वल टू 7.44 मीटर. तो ये जो वैल्यू है हमारी b की और d की, ये जो दोनों वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यूज आ गई. और हमारा एक जो वैल्यू था q का, जो डिस्चार्ज था, जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था डिस्चार्ज, और हमको बोल रखा था कि जो भी हमारा चैनल सेक्शन है उस चैनल सेक्शन के वैल्यूज को बताइए. तो हमने क्या निकाला, बी डी और क्यू, ठीक है. तो ये एक क्वेश्चन था जो हमारा लेसी थ्योरी से था. और लेसी थ्योरी पे एक तो नॉर्मल क्वेश्चन जो हमने लगाया था जिसमें सिंपली हमको क्या था, डिजाइन स्टेप को फॉलो करना था और हमें दो वैल्यूज गिवन थी, क्यू की और एफ की, ठीक है. तो डिस्चार्ज हमको गिवन रहता था और एफ की वैल्यू हमको पता रहती थी, सिल्ट फैक्टर जो कि था और डिस्चार्ज. तो इन दोनों के हेल्प से हम लोगों ने क्या क्या वैल्यू को कैलकुलेट करते थे, बी डी और एस को कैलकुलेट करते थे, ठीक है. क्योंकि हमें एस का जो इक्वेशन है बेड स्लोप का, वो भी लेसी ने खुद ही डेवलप किया था, जो एस का इक्वेशन था, ठीक. तो ये भी एक उनका जो उन्होंने मीन वेलोसिटी और जो बेड स्लोप था, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इन दोनों की का इक्वेशन उन्होंने दिया था, ठीक है. तो हमको जो क्वेश्चन स्टेप फाइव में जो एस का इक्वेशन था बेड स्लोप का, उसकी क्योंकि क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको क्या था, क्यू की वैल्यू गिवन नहीं थी जो कि यूजुअली गिवन होती है, ठीक है. तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू गिवन तो नहीं थी, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हमको एस की वैल्यू दे रखी थी. तो एस की वैल्यू के हेल्प से हमने क्या वैल्यू निकाली, क्यू की वैल्यू निकाली. क्योंकि हमको जो बेड स्लोप का फॉर्मूला है लेसी थ्योरी का, वो हमको पता है कि बेड स्लोप का जो भी फॉर्मूला है हमारा, तो उससे हम लोगों ने क्या किया, डिस्चार्ज के वैल्यू को फाइंड आउट किया. तो हमसे क्वेश्चन में डिस्चार्ज भी पूछ रखा था और उसके अलावा चैनल सेक्शन भी पूछा हुआ था. तो डिस्चार्ज की वैल्यू को निकाला. अब क्योंकि बी और डी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एरिया और पैरीमीटर की ज़रूरत है, तो हमने क्या किया, एरिया और पैरीमीटर निकाला, ठीक है. लेकिन क्या था कि क्वेश्चन में हमको जो है एरिया की वैल्यू को निकालने के लिए डिस्चार्ज के इक्वेशन का यूज़ करते, वेलोसिटी का यूज़ नहीं था. तो फिर हमने क्या किया, जो हमारा एस का इक्वेशन है साइड स्लोप, जो बेड स्लोप का इक्वेशन है, उस बेड स्लोप की हेल्प से हमने हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाला. फिर हमने क्या वैल्यू निकाली, एरिया और पैरीमीटर निकाला, ठीक है. एरिया और पैरामीटर सिंपली जो फॉर्मूला था हमारा पैरामीटर का, उससे निकाला है. और एरिया जो है हमने कहाँ से निकाला, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का जो फॉर्मूला है आर इक्वल टू ए बाई बी, वहाँ से हमने एरिया फाइंड आउट किया. फिर उसके बाद से जो हमने एरिया और पैरामीटर निकाला, उसकी हेल्प से हमने दो इक्वेशन बनाए एरिया और पैरामीटर का, कौन से सेक्शन के लिए, ट्रेपेजॉइड सेक्शन के लिए, ठीक है. तो ट्रेपेजॉइड सेक्शन के लिए हमने एरिया और पैरामीटर का फॉर्मूला जनरेट किया. फॉर्मूले से हमने क्या क्या इक्वेशन जनरेट किया,
और दो इक्वेशन हमने बनाए, एक एरिया का बनाया, एक पैरामीटर का बनाया, ठीक है। फिर यहाँ से क्या किया हमने, वैल्यूज निकाली किसकी, बी और डी की, ठीक। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि हमको जो भी हमारा चैनल का सेक्शन है, फिक्स्ड सेक्शन, फिक्स्ड सेक्शन का मतलब ये हो गया हमारी बी और डी की वैल्यू, तो ये वैल्यूज को फाइंड आउट करना था, और जो मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है वो आ सकता था, उस मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर।